वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जानि कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जानि स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत् नमस्ते शारदे देवी प्रदे वसत्वं मम जिवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तावत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्दामनमामत स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवदारवरिष्ठाय रामकृष्णाय दे नमः मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्गयते गिरिं यत्कृपा त्वमहं वन्दे परमानन्दनमाधवम् कृष्ण लाल कृष्णगणया गीज भक्तवत्सल भगवान गी जय वृंदावन विहारी लाल की श्री श्रीराम कृष्ण देव जय भागवत भगवान की जय भागवत, भागवत भक्त भगवान की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण 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 सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं उपस्थित पूज्यपाद सेवानंद जी महाराज एवं पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज सहित अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हम हमारे श्रद्धापूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है उन सब के हृदय में बैठे हुए उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म ब्रह्म परमात्मा को मुहूर् मुहूर् वंदन करके आइए भागवत रसामृत में हम अवगाहन करे नारायण 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 कल एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया है महाराज हमें तो लीला सुनने में आनंद आता है इस आदरण चतुष्टय का जो वेदांत तत्व है वो कठिन पड़ता है देखिए लीला समझना भी इतना आसान नहीं है लीला के पीछे उसका जो तत्वार्थ है वो देखेंगे तो पता चलेगा और हम अपने आप से प्रश्न करने लगेंगे क्या हमें लीला समझ में आती है मनुष्य का मन अधिकांश घटनाओं के अंदर सीमित रहता है एक घटना हुई तत्पश्चात दूसरी घटना हुई तीसरी घटना हुई लीला को समझना भी अत्यंत कठिन है लीला तभी समझ में आती है जब भगवान की कृपा से भगवान हमारी बुद्धि को शुद्ध करते हैं अन्यथा लीला समझ में आती नहीं है वेदांत भी हम जो समझने का प्रयास कर रहे हैं हमारी बुद्धि से पहले बुद्धि में तो उतरे बाद में हृदयंगम होगा देखिए श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य थे पूज्यपात स्वामी तुरयानंद जी महाराज सुकदेव जी के अंशावतार से अंश से थे अब वो वेदांत का इतना अध्ययन करते थे इतना अध्ययन किया कि श्री देव के पास आना ही उनका जैसे बंद हो गया था कुछ दिनों के लिए श्री रामकृष्ण देव ने बुलावा भेजा और वो आते हैं वो जब आते हैं तब श्री देव उनको एक दृष्टि से देखकर कहते हैं अरे तेरे वेदांत में है ही क्या यही ना ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या और बस उसी क्षण श्री रामकृष्ण देव ने जो उनको दिया उन्होंने गर्भित वाणी में वो प्रकाशित किया है श्री रामकृष्ण देव ने जैसे उनको अनुभव कराया ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या है और वो कहते हैं उसी दिन से जैसे मेरा वेदांत का केवल पढ़ना बंद हो गया बाद में अनुभूति होना शुरू हुआ साधक का हृदय जब तैयार होता है तभी परमात्मा हम पर कृपा करते हैं ये मत समझिए कि हम कुछ करेंगे नहीं या जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं वो दे करके भगवान हम पर कृपा करने आएंगे जी ना शास्त्र कहता है जब तक हमारे में अहम बुद्धि है हमें स्वयं को तो चलना ही पड़ेगा भगवान कृपा करने के लिए तैयार है हम पर अनंत कृपा की अनंत कृपा की वर्षा कर रहे हैं हमारे पर लेकिन उसका हमें अनुभव नहीं हो रहा है अंतकरण मलिन है अभी भी और उस कृपा का अनुभव करने के लिए और जब तक पूर्ण शरणागति नहीं आती है पूर्ण शरणागति नहीं आती है तब तक हमारा अहम है तब तक हमें स्वयं को चल करके हमारी वृत्तियों को भगवदाकार बनानी पड़ेगी समझ लीजिए इस श्री कृष्ण देव के सभी सन्यासी शिष्यों का जीवन चरित्र इसमें देखिए एवं गृहस्थ भक्तों का भी जीवन चरित्र देख लीजिए यही बात मुहूर् मुहूर, -मुहूर प्रकट होकर के सामने आती है गिरीश घोष ने पावर ऑफ एटर ने दे दिया था संपूर्ण शरणागति एकदम वो शरणागति देना इतना आसान नहीं है हम लोग हमारी साधना से बचना चाहते हैं हमारे साधना से बचने के लिए हम कहते हैं कि हम शरणागत हो गए शरणागत होना मुंह से बोलना एक बात होता है और होना में बहुत पार्थक्य है इसलिए हम पुनः पुनः स्मरण करा दे आचार्य हमें समझाते हैं कृपा का अर्थ ही यह है करो एवं पामो समझिए जब तक भगवान ने हमारे में अहम रखा है अहम बुद्धि है तब तक हमें हमारी ओर से साधन करके हमारी वृत्तियों को भगवदाकार बनानी पड़ेगी और जब भगवदाकार बनेगी तब भगवान की कृपा का अहेतुक कृपा का हम लाभ कर पाएंगे प्रश्न आकर खड़ा रहेंगे क्या महाराज तो अभी हमें भगवान की कृपा का लाभ नहीं होगा अवश्य होगा और हो रहा है यदि हम हमारी सूक्ष्म बुद्धि से थोड़ा चिंतन करें देखें सारा मानव समुदाय इस विश्व के अंदर में इस रोग से आक्रांत है कोविड 19 से सारा मानव समुदाय आक्रांत है और इस महामारी के अंदर में भगवान हमें डेढ़ दो घंटे का उनका अद्भुत सत्संग करवा रहे हैं इससे बड़ी कृपा हमें तो कुछ नहीं दिखाई देती है क्या ये भगवान की विशेष कृपा नहीं है अब इससे बड़ी कृपा क्या चाहिए तुम रे भजन राम को पावे जन्म जनम के दुख बिसरावे। हम दो घंटा जो भगवान का स्मरण करते हैं भगवान की लीला का गुणानुवाद करते हैं भगवान की लीला में हमारा मन जो बैठता है जब दो घंटे में दो घंटे तक बैठा तो चार घंटे तक भी बैठेगा और जब चार घंटे तक बैठेगा तो चौबीस घंटे तक भी बैठ सकता है उसके लिए अभ्यास और वैराग्य का आलंबन लेना पड़ेगा इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता में कहा अभ्यास न तो कौंते च गृहियतें यह अभ्यास और वैराग्य हमारे में आना चाहिए जब सतत अभ्यास करेंगे वैराग्य के साथ अब जैसा हमने कल वैराग्य का अर्थ देखा राग एवं द्वेष से मुक्ति उसका नाम है वैराग्य वैराग्य मानी नंगा होकर के पेड़ के नीचे बैठ करके भभूति लगा देना वो वैराग्य का कोई एक सोपान हो सकता है लेकिन वैराग्य का पूर्ण विराम कतई नहीं है वैराग्य का अर्थ है राग एवं द्वेष से मुक्ति तो भगवान हमें संसार से विराग करवा रहे जब इनकी कथा में बैठते हैं तो श्री कृष्ण हमें परमा परम कृपाणु परमात्मा हमें उसकी लीलाओं में राग करवा रहा है मनी प्रीति करवा रहा है इससे अधिक और क्या चाहिए जगत का तो विस्मरण होगा तभी तो भगवान का स्मरण होगा ना? जब तक जगत का विस्मरण नहीं होगा भगवत स्मरण नहीं होगा और जब भगवत स्मरण होगा तब 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 जगत का विस्मरण हो जाएगा इसी सिद्धांत को ही याद रख के और एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया है महाराज हम तो ना विष्णु सहस्र नाम जानते हैं ना हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं ना ही हम शिव महिम्न स्त्रोत्र हमें आता है ना ही कोई दूसरे स्तोत्र आते हैं हमको तो केवल श्री रामकृष्णदेव मां शारदा और स्वामी विवेकानंद पर ही श्रद्धा है तो क्या हमें प्राप्त नहीं होगा देखिए आपकी श्रद्धा को हम वंदन करते हैं श्री रामकृष्णदेव मां शारदा स्वामी विवेकानंद त्रयमूर्ति के प्रति श्रद्धा होने से काम हो गया अब आपकी श्रद्धा को थोड़ा ज्ञान से परितुष्ट कीजिए चाहे त्रिमूर्ति के प्रति श्रद्धा हो या श्री कृष्ण के प्रति श्री राम के प्रति या मां भगवती मां देवी महाकाली मां अंबा मां दुर्गा किसी के भी प्रति श्रद्धा हो श्रद्धा को ज्ञान से परितुष्ट करना पड़ता है नहीं तो आकृतियां परमेश्वर नहीं है हम पुनः पुनः उसका चिंतन किए हैं इसमें से हमें निकलना होगा यह तो सच्चिदानंद ब्रह्म है जो आकृतियों के पीछे खड़ा है आकृतियों में निहित आकृतियां कभी परमेश्वर नहीं होती है हमारा मन जिहवा बनकर के उस आकृति को चाटता है अर्थात किसको चाटता है सच्चिदानंद ब्रह्म को चाटता है तो बोले अब जब हमें ये सब स्तोत्र नहीं आते विष्णु सहस्र नाम नहीं आता है दुर्गा सप्तशती नहीं आती है शिव महिम्न स्तोत्र नहीं आते हैं तो क्या हमका ठाकुर के प्रति त्रिमूर्ति के प्रति श्रद्धा होने से नहीं हो गया नहीं हो जाएगा अवश्य होगा क्यों नहीं होगा लेकिन याद रखिए हमें अपने स्वयं से प्रश्न करना है कि क्या सारा दिन उस श्रद्धा का भाव हमारे हृदय में रहता है देखिए हम लोगों हमारी आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके खास नंबर निवेदन रहेगा कृपा करके रामकृष्ण कथामृत तो पढ़ते हैं तो एक एक प्रसंग को गुढ़ार्थ से चिंतन करके पढ़िए कोई भी शास्त्र का अध्ययन करे ग्रंथ का अध्ययन करे तो उसके गुढ़ार्थ में निहित जो तत्व है उसको पकड़ने का प्रयास कीजिए श्री रामकृष्ण देव को प्रश्न पूछा है महाशय ईश्वर में मन कैसे लगे और श्री रामकृष्ण देव उत्तर देते हुए कहते हैं ईश्वर के साधु भक्त के पास बारंबार जाना पहला और दूसरा कहते ईश्वर के नाम गुण संकीर्तन करना तृतीय है ध्यान करना मन में वन में और कोने में चतुर्थ तो है रात दिन यदि संसार में रहेंगे तो मन ईश्वर में लगेगा नहीं इसलिए बीच बीच में एकांतवास करना है और पंचम कहा है सब समय वस्तु विचार करना ईश्वर ही सत्य बाकी सब असत्य अब देखिए इसमें जो कहा ईश्वर के नाम गुण संकीर्तन करना तो चिंतन कीजिए हम सारा दिन तो जप नहीं कर सकते हैं तो बात निखिलेश्वर जी महाराज अपनी प्रश्नोत्तरी में समझा रहे हैं न कोई सारा दिन ध्यान बोले कब तक हमें ध्यान करना एक आगे जिज्ञासु ने प्रश्न किया था तो कहते हैं ध्यान की मात्रा अचानक बढ़ जाने से फिर आपको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा पागलखाने में तो सारा दिन तो हम जप नहीं कर सकते सारा दिन ध्यान नहीं कर सकते तो इस मन को अच्छे भाव में रखे कैसे उसी के लिए स्तोत्र पाठों का सहारा है समझ लीजिए विष्णु सहस्रनाम करेंगे शिव न स्तोत्र करेंगे ललिता सहस्रनाम करेंगे कितना सुंदर स्तोत्र है ललिता सहस्रनाम विग्रह आरुण विग्रहाणिक्य मौलिस्पुरत तारा नायक शेखरां स्मितक्षोरहाम पाणीभ्य मलिपूर्ण रत्न चषकम रक्तोत्फल बिव्रतिम ध्यायेत पराम अंबिका श्रीमाता श्री, श्री महाराजी श्री सिंहासने देवकार्यसमुद्यता कितना सुंदर स्तोत्र है मां के ऊपर में ललिताशास्त्र नाम वो कीजिए दुर्गा सप्त सती का पाठ कीजिए या देवी सर्वभूतेशु निद्रा रूपेण संस्थित नमस्त से नमस्त नमस्त नमो नम दुर्गा शप्त सदी का पाठ कीजिए कितना आनंद आएगा एक बल मिलता है शिव महिम स्तोत्र क्यों करते हैं महिमन पारंते परम विदुषो यद्र कितना सुंदर स्तोत्र है आप कीजिए कितना आनंद आवेगा मन एक अच्छी जगह में रहेगा समझिए शिव महिम कीजिए विष्णु सहस्त्र नाम कीजिए ललिता सहस्त्रनाम कीजिए दुर्गा सप्त सती का पाठ कीजिए भजन गाइए ये सब विविध उपाय क्या है मन को एक अच्छी जगह में रखने का भगवान के लीलाओं का श्रवण कीजिए अब यदि यह कहेंगे ना ये तो श्री रामकृष्ण देव पर नहीं है तो हम तो आपको वंदन कर देते हैं हम कुछ नहीं बोल सकते बाद में अर्थात हमने श्री रामकृष्ण देव के भाव को लिया ही नहीं है कृपा करके संकीर्णता को जीवन में स्थान नहीं देना है हमें समझिए हनुमान चालीसा कीजिए कितनी सुंदर है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी लोक उजागर कितना आनंद आता है राम नाम करते कितना आनंद आता है अरे रामचरित मानस ला करके शुरू कर दीजिए नाम 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 अर्थ संगा रसा अभी अपने मन को एक अच्छी जगह में प्रवृत्त करने के लिए स्तोत्र पाठ भजन का हम सहारा लेते हैं कीर्तन का सहारा लेते हैं इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण देव के कथामृत को जब पढ़ते हैं आप केवल पढ़ने के लिए मत पढ़ना है नहीं पढ़ना है हमको उसके गुढ़ार्थ में जाने का प्रयास करना है और एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया है कि हमारा हमारी संतान जो है हमसे दूर है लगता है कि शायद वो सज्जन और वो जो जिज्ञासु है मालूम नहीं जो भी हैं, शायद सेवानिवृत्त हो गए होंगे और अपनी संतान कहीं बाहर रहती होगी या उनसे कहीं दूर है और इस महामारी के अंदर में संतान को कार्यवश बाहर निकलना पड़ता है कार्य के लिए काम करने के लिए कार्यालय जाना पड़ता है तो बोले महाराज हमारा मन सतत घबड़ाता रहता है चिंता कर चिंताग्रस्त रहता है तो क्या ये हमारा मोह है या आसक्ति है देखिए प्रश्न बहुत ही सुंदर है और इसका अवलोकन आप स्वयं कर लीजिए ये महामारी है आपकी संतान है भले आप सेवानिवृत्त है फिर भी संतान है आपका मन उसके प्रति रहेगा उसके प्रति चिंतित होगा लेकिन सब समय चिंतित रहता है तो समझिए मन अत्याधिक आसक्त हो चुका है हाँ उससे आप दूरभाष पर बातचीत कर लीजिए बेटा कैसे हो बेटी कैसी हो सब ठीक ठाक तो है ऐसा नहीं है हमारे भी बहुत सारे जो सत्संगी है उनमें से बहुत सारे के संताने इस महामारी के बीच में कार्य कर रहे और उनको चिंता भी लगी है उतना ही नहीं उनके संतान डॉक्टर ऐसे हैं और वो इस महामारी से ग्रस्त लोगों की सारवार कर रहे हैं अरे क्या कहे उसमें से तो एक माई के भाई को वो सत्संगे वो भी सत्संगे उनको अभी अभी कोरोना भी हो गया सेवा करते करते डॉक्टर है सेवा करते, करते करते कोरोना हो गया उन्होंने मैसेज कहलवाया कि महाराज को कहिएगा मुझे कोरोना हुआ है हमने कहा अब आप जब कोरोना हो गए आप विष्णु सहस्रनाम करते रहिए जब करते रहिए गुरुमंत्र गुरु प्रदत्त मंत्र मिला है रामकृष्ण विवेकानंद वेदांत भावधारा से जुड़े हुए आप इतना सुंदर भगवान का मंत्र मिला है परम गुरु के पास से उसका जप कीजिए विष्णु शास्त्र नाम कीजिए धीरे धीरे वो कर रहे हैं माता पिता भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं और धीरे धीरे देख रहे हैं वो उनका मन इतना आसक्त नहीं रहता है ये मन की एक आदत होती है वो कुछ जगत के भोग को लेकर रहना चाहता है हम सबके मन की यह आदत है हम देखिए महात्माओं के बारे में नहीं कहते हम पुनः पुनः कह दें आपको कृपा करके हमारे वचनों को अन्यथा रूप से कतई ना लिया जाए इन सन्यासी महात्माओं के चरणों में तो हम मुहूर् मुहूर वंदन करते हैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं ये हमारे जैसे सामान्य साधक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं हमारा मन जो अनेक जन्म जन्मांतर से विषयों को लेकर रहने का ही हो गया है इसलिए वो अनेक बहाना बना करके अपने स्वजनों की, की प्रिय जनों की प्रियजनों की व्यर्थ चिंता करके करके उसमें आसक्त रहने का प्रयास करता है आप यदि अभिभावक है तो निश्चित आपका मन में चिंता होगी अब सारा दिन चिंता से ग्रस्त रहना वह स्वस्थ मनुष्य की निशानी नहीं है अभिभावक के रूप में आप उनकी खबर लीजिए उनके लिए प्रार्थना कीजिए उनको प्रोत्साहन दीजिए उनसे सत्संग कीजिए और अपने मन को स्वस्थ करने के लिए समझ लीजिए भगवान की कथा ही कथा है बाकी सब व्यथा है अपने प्रियजन आत्मजनों की जितनी निरर्थक चिंता करेंगे हम उतना ही मन हमारा दुर्बल बनता जाएगा आसक्त बनता जाएगा और परिणाम क्या होगा हमारा मन छिन्न भिन्न हो जाएगा कई माई लोग हमको कहते हैं महाराज आपको क्या बताए इस जगत में जो इस महामारी से जो जगत पूरा दुखित तो है महाराज हमारे हृदय में बहुत व्यथा हो रही है मन मन बहुत दुखी हो गया है इस जगत की व्यथा को देखकर मानव जाति की व्यथा को देखकर जैसे सन्नाटा छा गया हो हमारे हृदय में हम तो यही कहते हैं आपके दुख में हम भी सहभागी है अच्छी बात है मानव जात के दुख को देखकर आप दुखी होते हैं अच्छी बात है अब सारा दिन दुखी होना वो अच्छी बात नहीं है तो आप कहेंगे क्या महाराज हमको हृदय नहीं दिया है भगवान ने हमको भावनाएं नहीं नहीं दिए अवश्य भावनाएं दी दिए है हृदय दिया है आपकी इस भावना को हम वंदन करते हैं लेकिन भावना में भावुक होना और जगत के दुखों का चिंतन करने से उस दुख की मुक्ति होने वाली नहीं है मुक्ति कब होगी जब भगवान का चिंतन करेंगे भगवान की कथा का श्रवण करेंगे इसलिए पुनः पुनः आपको यही बात पर समग्र शास्त्र महापुरुष आचार्य गुरु सब लोग हमको यही बात पुनः पुनः कहते हैं अरे मानव अपने मन को तुम भगवान की कथा में नियोजित करो इसलिए आपको प्रार्थना करके कहते हैं केवल दो घंटे के सत्संग को ही सत्संग मत समझिए उसके बाद उसका चिंतन कीजिए यदि आपके पास साधन है तो पुनः इस कथा का श्रवण किया जाए यूट्यूब पर तो है ही क्यों ना किया जाए देखिए आपका मन स्वस्थ रहेगा और जगत के दुख की चिंता करके करके आपका मन दुखित तो हो जाएगा और जब हमारा मन दुखित तो होता है तो क्या हुआ जरूरत से अधिक दुखी होता है हम ऐसा नहीं कहते कि दुखी नहीं होना चाहिए हम तो कोई आत्मज्ञानी पुरुष नहीं होकर के बैठे हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षण हमारे में प्रकट नहीं हुए हम तो दुखित तो होंगे अवश्य दुखित तो होना है बट वी मस्ट कम बैक टू center पॉइंट रिमेंबर दिस हम जब हमारे मूल बिंदु से विच्छेद हुए तब हम जगत के दुख में दुखित तो भी हुए हैं बात सही है दुखित तो होंगे फिर हमें मुख्य बिंदु पर वापस आना है श्री कृष्ण देव हमें अपने जीवन से दिखाते हैं इसलिए श्री कृष्ण देव की वंदना करते करते स्वामी विवेकानंद बहुत सुंदर की लिखा है नर देव देव जय जय नर देव शक्ति समुद्र समुत्थत रंगम दर्शित प्रेम विजृंभित रंगम श्री रामकृष्ण देव में दोनों भाव है नर भाव और देव भाव नारायण 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 क्षमा नारा कीजिए श्री रामकृष्ण देव में दोनों भाव विद्यमान है नर भाव एवं देवभाव जब उनका अत्यंत परम स्नेही अक्षय अक्षय की मृत्यु हुई श्री रामकृष्ण देव रो रहे क्रंदन कर रहे अब कैसी व्यक्ति क्रंदन कर रही है जो साधना में इतनी उच्च अवस्था पर प्राप्त कर चुकी है जो मां के सिवा और कुछ जानते नहीं हैं जो मां के साथ बातचीत कर रहे हैं मां के प्रेम में जो पागल बन चुके हैं अहरनीश मन पूर्ण रूप से माँ के चरणों में नियोजित हो चुका है ऐसे व्यक्ति का भांजा या भतीजा संबंध ठीक हम सब याद नहीं है अक्षय और जब भतीजा वो अक्षय जो भतीजा था उसकी जब मृत्यु हुई तो श्री कृष्ण देव क्रंदन करते रोते हैं अब रोते रोते देखिए श्री राम देव रोए और दूसरी क्षण उनको याद आया अरे आत्मा तो कोई आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता है नैनम छिंदति शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम क्ले त्यापो न शोषयती मारुतः श्री राम देव खड़े हो गए और मूड करके भी देखा नहीं अक्षय कई ध्यान में रखने की बात है अवतार अपने जीवन से दिखाते हैं माना कि हम लोग सामान्य साधक हम स्थित प्रज्ञ नहीं है आत्मज्ञ नहीं है और ऐसा नहीं कि हमारा मन पूर्ण रूप से भगवान में नियोजित तो हो चुका है अरे लेकिन हमारे में शक्ति नहीं है वो मानव अपनी अपनी शक्ति को जगाओ हमने जिसका शरण लिया है वो तो शक्तिमान है योत्त प्रश्य ममच मीमा प्रसुप्ता संजीव यत्न किल शक्तिधरस्व दामना अन्या हस्तचरण श्रवण्वगा प्राणन्नमो भगवती पुरुषा तोप्यम हम क्यों, आपको क्या बताए हमने जिसकी शरण लिए वो अनंत शक्तिशाली है वो जगत का नाथ है वो सर्वेश्वर है वो योगेश्वरेश्वर है हमारे में शक्ति नहीं है लेकिन हमने जिसकी शरण लिए वो तो शक्ति का स्रोत है प्रभु आपकी शक्ति से हमको बलवान कीजिए माना हमारे में शक्ति नहीं है हम स्वीकार करते हैं अरे लेकिन जिसके हम चरणाश्रित तो हुए हैं जिनके पाद पद्मों में हमने अपना सर्वस्व रखने का प्रयत्न किया है वो तो महान शक्तिमान है वो तो शक्ति के स्रोत है हमारी ताकत ता नहीं है लेकिन जिसकी शरण हमने ली है उसमें अनंत शक्ति है तो उस शक्ति से हम शक्तिमान होकर के हमारी मन की वृत्तियों के साथ हम लड़ेंगे देखिए ध्रुव जी ने कितनी सुंदर यह स्तुति की भागवत में आता योन प्रविश्य मीमा यत्न शक्तिधर स्व धामना अन्या हस्तचरण श्रवण्वगाभ्यम इसलिए भगवान के स्तोत्र पाठ कीजिए भगवान ऐसा नहीं चाहते कि हमें संस्कृत में करना आपकी जो भी मातृभाषा हो गुजराती मराठी तेलुगु तमिल कन्नड़ा मलयालम हिंदी उड़िया बंगाली जो भी भाषा हो आपकी मातृभाषा सभी भाषाओं में स्तोत्रों के अनुवाद है आप पढ़िए अनुवाद पढ़ते जाइए अनुवाद से भगवान को प्रार्थना करते जाइए देखिए कितना बल का संचार होगा और मन आनंदित हो जाएगा पूर्ण रूप से इसलिए देखिए हमारे हमारी भक्ति में हमारी साधना में विविधता लाने के लिए श्रीमद् भागवत पूरा इस तरह से बटा हुआ है जो चिंतन किया उसमें उपदेश है उसके अंदर में स्तुति है उसमें गीत है और उसमें चरित्र है श्रीमद्भागवत तो भगवान का वांगमय स्वरूप है मानव वो सामान्य ग्रंथ नहीं, नहीं है वो महापुराण नहीं है वो तो भगवान का वांगमय स्वरूप है एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मूड़यती युगे युगे तेने यम मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे हे ये भगवान का वांगमय स्वरूप है और ये वांगमय स्वरूप हमको बताता है उपदेश क्या करते हैं हमारे अंतकरण को पवित्र करते हैं उसमें प्राय अंतकरण को पवित्र करने की बात लिखी है उपदेश के बाद स्तुति स्तुति में शुद्ध सात्विक भाव निहित तो हुआ है भगवान की हम स्तुति करते देखे अभी स्तुति किया योन तप प्रविश्य मम चुप आहा कितना आनंद आया बताइए कितना बला हमारी श्रद्धा को हमारे विश्वास को इसलिए तो हमारा नरसिंह ने लिखा लिख दिया है तम तिमिरे अम तेजे अमरुदिरे तब बल पे तब जे अमंतरमा तब पद धर जे अमने राखो सदा तब शरण प्रभु हमें सदैव आपकी शरण में रखिए रंगदूत महाराज लिखते आन पड़ा नाथ दर पे शरण में लीजिए प्रभु हम तो आ गए आपके द्वार पर हमको शरण में ले लीजिए आन नाथ दर पे शरण में ले लीजिए तो देखिए उपदेश हमारे अंतकरण को पवित्र करते हैं स्तुतियों में प्राय शुद्ध सात्विक अभाव है हमारे में सात्विकता बढ़ाता है और गीत में हृदय के भावों की अभिव्यक्ति हुई है अरे क्या हुई तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मशापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदाजना भुपिगीत हृदय के भावों की अभिव्यक्ति है और चरित्र हमारे मन को आकृष्ट करता है हमारे मन एवं इंद्रियों को अपनी ओर आकृष्ट करके उसे पवित्र बनाता है उसको शुद्ध करता है चरित्र और देखिए भगवान की लीला का साधारण अर्थ कभी नहीं होता है भगवान की लीला एक होती है उसके अर्थ अनेक होते हैं याद रखना है भगवान का जन्म देखिए आप श्री कृष्ण का जन्म बंधन में हुआ कारागार में रात्रि के समय हुआ अंधकार में हुआ बंधन में हुआ वो है स्वयं बंधन में जन्म हुआ उनका स्वयं का जन्म हुआ अंधकार में बंधन में और वो लोगों को प्रकाश देते हैं और मुक्ति प्रदान करते हैं यही ईश्वर का ईश्वरत्व अरे लोगों को मुक्ति प्रदान करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है समझिए विष्णु सहस्र नाम के अंदर में एक पंक्ति आती है बहुत सुंदर है सदगति सत्कृति सत्ता सद्भूति सत्परायण स सदगति सत्कृति सद सद सदगति सत्कृति अभी देखिए विष्णु सहस्र नाम पर भगवान आद्य शंकराचार्य ने भी भाष्य लिखा है और क्षमा <coughs> <coughs> कीजिए नारायण रामानुजाचार्य के शिष्य श्री वत्सांकाचार्य ने भी भाष्य लिखा है अब भगवान शंकराचार्य सबसे पहले भाष्य विष्णु सहस्रनाम पर ही लिखे हैं तत्पश्चात अन्य भाष्य लिखे हैं सबसे पहला भाष्य उन्होंने विष्णु सहस्रनाम पर लिखा है और रामानुजाचार्य लिखने वाले थे पहले आचार्यों की ये परंपरा रहती थी कि वो प्रस्थान त्रयी पर अपना भाष्य लिखने के बाद साथ साथ में विष्णु सहस्र नाम पर भी भाष्य लिखते थे तो जब विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य लिखना हुआ तो पूज्यपाद रामानुजाचार्य महाराज उनकी वृद्धावस्था हो चुकी थी वो लिख नहीं पा रहे थे तो उन्होंने श्री वत्सा को भाष्य लिखने को कहा और वत्साकाचार्य ने बहुत सुंदर भाष्य लिखा है विष्णु सहस्र पर भगवान आद्य शंकराचार्य का जो भाष्य वो भी अद्भुत है अब देखिए भगवान शंकराचार्य जब विष्णु सहस्र पर भाष्य लिखते हैं तो उन्होंने सतकृति का सुंदर अर्थ किया है सतकृति अर्थात वो कहते हैं भगवान जो सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं भगवान की सृष्टि स्थिति प्रलय चलता रहता है और उसी से भगवान मनुष्य मानव जीवन मानव का समग्र भूतों का कल्याण करते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय रूप कृति जिन की है अर्थात सतकृति शंकराचार्य भगवान वेदांत के सिद्धांत अद्भुत प्रकट करते हैं सतकृति शब्द के अंदर में महात्माओं ने बहुत सुंदर शंकराचार्य भाष्य पर प्रवचन भी दिए हैं समय मिले तो कभी सुनिएगा किसी के आप जिस आश्रम से संपर्क रखते हो उस आश्रम में अवश्य ही विष्णु सहस नाम पर भगवान आद्य शंकराचार्य द्वारा लिखित टीका पर महात्मा लोग प्रवचन करते होंगे आप उनके चरण में बैठ करके समझने का प्रयास कीजिएगा सतकृति शब्द का अर्थ भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं सृष्टि स्थिति और प्रलय रूप जो है वो भगवान की सतकृति है अब श्री वत्सांकाचार्य सतकृति का अद्भुत अर्थ करते हुए कहते हैं कहते हैं अजन्मा प्रभु का जन्म होना देखिए दोनों के भावों का चिंतन करना है हमको अजन्मा प्रभु का जन्म लेना ही सतकृति है और ये प्रभु कैसा है जो अजन्मा है जो सर्वशक्तिमान है सर्वज्ञ है अजन्मा है सर्वज्ञ है सर्वतंत्र स्वतंत्र है वो जन्म धारण करता है किस लिए अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वत्संकाचार्य का भाष्य श्री वत्सांकाचार्य का क्षमा कीजिए श्री वत्सा का भाष्य में श्री वत्सा काचार्य सतकृति का अर्थ समझाते हुए कहते हैं और क्या कहते हैं साथ में अरे ऐसा भगवान जो छुप छुप करके गोपियों के चित्त का हरण कर रहा है सोचिए अरे जो गोपियों के चित्त को हरण करने के लिए अपने नाम पर विशेषण देता है कि ये तो चोर है माखन चोर जय रणछोड़ माखन चोर अरे अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए जो रणछोड़ का विशेषण अपने ऊपर लेता है जो अपने भक्तों के मन को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए सुंदर बंसरी नाद करके उनको जगत का विस्मरण करवाता है अरे जो अपने भक्तों के ऊपर में जो माया का पर्दा थोड़ा बहुत लगा है जो थोड़ा पतला सा अज्ञान का आवरण लगा है वो स्वयं जाकर के उस आवरण को वो फाड़ देता है चिरहरण की लीला करके वो है सतकृति सदबुदे सत सतकृते, सत्ता सद्बुद सत सत्परायण है विष्णु शास्त्र नाम देखिए सतकृति का अर्थ श्री बतशांकाचार्य जी करते हुए कहते कितना सुंदर समझा रहे अरे जो भगवान अपने भक्त का चित्त हरण करने के लिए क्या बताए कैसे कैसे अनुपम दिव्य लीलाए करते हैं हम एक दो प्रसंग आपको अवश्य बताएंगे यहां पर सतकृति भगवान की देखिए इसलिए पाठ क्यों करना समझिए अभी महाराज सभी अर्थों का तो मनी सभी शब्दों का अर्थ हमें मालूम नहीं होता है अरे भैया ओ मानव हम कहेंगे एक बार करके देखो ना स्वानुभव से कहते हैं ये वाणी का विलास नहीं कर रहे हैं बिना अर्थ करके देखे विष्णु सहस नाम अरे आनंद के सागर में डूब ना जाए तो हमको कहना जी हमको आकर के दूषित तो दे देना हम यहां तक कहते हैं एक बार करके देखो बलिहार हो जाएंगे छोड़ने की इच्छा नहीं होगी ओम विस्वम विष्णुर्षट कारो भूत भव्य भवत प्रभु कृत कृद भृद्भावो भूतात्मा भूत भावना क्या अद्भुत स्त्रोत्र है यही एकमात्र स्त्रोत्र भगवान की हाजरी में भगवान की उपस्थिति में भगवान के द्वारा अनुमोदित समझिए यदि कोई स्तोत्र है तो सभी आचार्य दो हाथ उठा करके एक स्वर में कहते वो केवल विष्णु सहस्र नाम है और कोई स्तोत्र नहीं है ये सतकृति का अर्थ एक दो प्रसंग ले ले विषयांतर नहीं है कितना अद्भुत है भगवान की सतकृति का अर्थ अरे हम आपको क्या बताएं वृंदावन में एक महात्मा जी थे महात्मा जब तक जप करते हैं ध्यान करते हैं तब तक भगवान का सानिध्य बना रहता है चिंतन रहता है लेकिन जब आंख खोलते हैं जब व्यवहार का थोड़ा कार्य करते हैं तो चिंतन की वो धारा बनी रहती नहीं थी आनंद की वो धारा बनी रहती नहीं थी अवरुद्ध हो जाती थी महात्मा ने सोचा क्या किया जाए महात्मा जो थे जप करते थे भगवान का कृष्ण चरणार में सब कुछ समर्पित कर चुके थे बस भगवान ने बहुत सुंदर तरीका दे दिया अरे बोले कन्हैया तो मेरी संतान है मैं जो नंद ठहरा मैं नंद हूं और मेरा कन्हैया मेरी संतान है बस मारो लालो मारो लालो मेरा लाला मेरा लाला उसके अतिरिक्त तो वो कुछ जानते नहीं थे और महात्मा ने साधन किया श्रीकृष्ण से इतनी बात सारा दिन भर श्री कृष्ण से ही बात कर रहे भाव राज्य में सब चल रहा है जो हम आपको बता चुके हम पुनः पुनः श्रवण कर चुके हैं इस सिद्धांत का इस साधन पद्धति का कि भगवान के साथ हमारे मन के सभी विचारों को जोड़ दिया जाए सतत भगवान के साथ वार्तालाप का अभ्यास कर दिया जाए महात्मा ने शुरू कर दिया भगवान के साथ वार्तालाप करना और क्या आनंद आया महात्मा को एक बार इच्छा हुई मैंने गंगा जी में स्नान नहीं किया हमारे वृंदावन में तो यमुना जी बहती है कलक ललो कलोल करके जमुना जी बहती है अब महात्मा जी थे गंगा जी स्नान करने की इच्छा हुई है तो भावा राज्य में हमारे लाला ने आकर के कह दिया देखो बाबा मैं अभी छोटा हूं आप मुझे रख करके चले जाएंगे तो कैसे चलेगा महात्मा जी ने सबको कह दिया मैं गंगा जी स्नान करने नहीं आ सकता हूं मेरी संतान ने मुझे मना कर दिया है बस महात्मा जी नहीं गए और भावराज्य में श्री कृष्ण के साथ अद्भुत प्रसंग चल रहा है और थोड़ी दिनों में महात्मा जी का शरीर चला गया देखिए सतकृति का अर्थ देखिएगा अभी जो श्री वत्सांकाचार्य बहुत अद्भुत अर्थ हमारे सामने प्रकट करते हैं महात्मा जी का शरीर चला गया शरीर को अग्नि संस्कार देने गए दूसरे महात्मा लोग वैष्णव महात्मा है शरीर को अग्नि संस्कार देने जा रहे उतने में दौड़ते दौड़े दौड़े एक छोटा सा बालक आ रहा है सब महात्माओं को कहता है महात्मा जी जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण राधे 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 रुकिए बोले क्या बात है बोले महाराज जी दौड़े दौड़े आता है कहता है आप हमारे बाबा के अग्नि संस्कार करने से पहले हमारे बाबा की इच्छा थी वो गंगा जी में स्नान करना कर था उनको गंगा जी स्नान करना था मैं महाराज गंगा जल ले आया हूँ मेरे बाबा मैं उनके संतान हूँ मुझे बाबा जी को बाबा को गंगा स्नान कराने दीजिए महात्माओं ने कहा कराओ अब देखिए महात्मा लोग जानते हैं ये महात्मा हैं उनकी संतान कैसे हो सकती है लेकिन भगवान ने सब मति घुमा दिए कुछ क्षणों के लिए महात्मा ने कहा कराओ स्नान उस, उस संतान ने वो छोटे बालक ने महात्मा जी को स्नान करवाया स्नान करवा के सुंदर वस्त्र पहनाए वापस चिता पर लेटा दिया उनके शरीर को और स्वयं वो अग्नि संस्कार करता है बोले मैं उनकी संतान हूं समझिए अग्नि संस्कार करके वो बालक चला गया थोड़ी कदम आगे गया दिखाई नहीं दे रहा है महात्मा लोग अरे महात्मा का बच्चा कहां से आया अरे उनकी तो संतान ही तो तो महात्मा है महात्मा की संतान कहां से आएगी जी अरे ऐसा तो कोई शिष्य भी नहीं था छोटा दौड़ो दौड़ो कहां गया अरे तब तक किसी के हाथ में वो आया है जो आने वाला है सतकृति हम आपको क्या क्या घटना बताएं हमारे श्री कृष्ण जो कहना है कह लीजिए आप ब्रह्म कहिए परमात्मा कहिए भगवान कहिए श्री राम कहिए माँ देवी भगवती कहिए अम्बा कहिए या राम कृष्ण देव कहिए जो कहना है कह लीजिए हमारा तो नाम हजारों नामी एक रूप करोड़ों रूपी एक यही भाव है देखिए हमारे रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम जो है हमारा वृंदावन में उसी में घटना घटी है कुछ साल पूर्व एक महात्मा जी थे अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जिनके वांगमय शरीर के चरण अरविंद में बैठ करके हम सब कुछ कह रहे हमारे आचार्य है उनके चरणों में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते मोरू मोर उनके आश्रम में एक भक्त रहते थे सेवा करते थे बहुत साल तक वृंदावन में रहे अचानक कुछ कारणवश उनको आश्रम से बाहर जाना पड़ा और वो वृंदावन से बाहर चले गए इच्छा नहीं थी कुछ ऐसी घटनाएं घटी होगी जो होगा फिर अचानक एक बार आश्रम में उपस्थित होते हैं उनका शरीर बहुत अस्वस्थ है शरीर अस्वस्थ है महाराज ने देखा महाराज बोले तुरंत तुरंत तुरं तो अस्पताल में उनको भर्ती कराओ अस्पताल में भर्ती कराया गया सेवाश्रम में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम वृंदावन के अंदर में और उनकी सेवा के लिए किसी को नियुक्त कर दिया गया एक भक्त को इतने में क्या होता है एक दो दिन के बाद ही एक लड़का आता है टाई कोट पहन करके महाराज जी के पास और कहता है कि हमें सन्यास लेना है महाराज उसके वेश को देख करके के उस युवान को देख कर कहते बेटा सन्यास वैसे वैसे नहीं मिलता है बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं बेटा यहाँ पर लड़का कहता है महाराज आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ तो महाराज उसको देख के कहते ठीक है अभी एक आश्रम के भक्त अस्पताल में भर्ती है जाओ उनकी प्राणपण से सेवा करो बोले ठीक है जो आज्ञा गया आपकी वो लड़का गया रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम वृंदावन में जहाँ पर वो भक्त रहते थे भर्ती किए गए थे अस्पताल में वहाँ जा कर के उनकी सेवा करना प्रारंभ करता है दूसरे उपासक साधक भक्त लोग आते हैं तो एक भक्त उपासक से उन्होंने कहा अच्छा भैया आपके पास कोई पुरानी धोती है तो हमको दे दीजिए तो हम धोती पहन लेंगे तो हमको थोड़ी सेवा करने में सुविधा होगी बोले हाँ है हम दे देंगे वो उपासक ने आकर साधक ने आकर के उनको एक धोती थी उनके पास वो दे दी बस वो धोती और ऊपर में चद्दर लगा करके महात्मा वो जो भक्त थे उनकी बहुत सेवा करते थे अब वो साधक जो है वो बार बार आते भक्त अस्पताल में भर्ती किए हैं तो देखने के लिए आते हैं उन्होंने उसको पूछा भी अच्छा भाई तुम बताओ तो कहाँ से आए हो तुम्हारा नाम क्या कहाँ से क्या ठिकाना है तुम्हारा तो वो लड़का है अरे आपको इस सब से क्या मतलब मैं कहाँ से आ रहा हूँ मेरा क्या नाम है छोड़िए नहीं इस सब को राधे राधे कीजिए वृंदावन में है अब समझिए और वो भक्त की उन्होंने ऐसी सेवा की वो भक्त को जो भगवान श्री राधा जी के रास के जो पद अत्यंत प्रिय थे वो सब पद गा के गा के उनको सुनाते थे वो समझिए उनको इतना आनंद दिया उनकी इतनी सेवा की अन्यस चिंतो माम ये जना पर्युपास ये सब गीता के भिन्न भिन्न श्लोक एक साथ मिल जाएंगे यहां अब देखिए एक दिन हुआ ऐसा उनका अंतिम समय नज़दीक आ गया उनके प्राण चले गए भक्त के और तुरंत उस युवक ने क्या किया उसके पास जो सफ़ेद चादर थी वो बिछा दी उसके ऊपर उनका शब बिछा दिया अगरबत्ती कर दी फूल पुष्प चढ़ा दिए और वो धीरे से चला गया तो जो आश्रम की नर्स वगैरह उन्होंने सोचा हाँ अभी आश्रम में तो वो खबर देने जाएगा ही ये बहुत साल पहले की बात है तब तो इतने मोबाइल वगैरह फोन नहीं थे तो वो चल गई चल गए तो अचानक वो जो भक्त थे उपासक थे साधक थे वो आए और आकर के देखते और भक्त का तो शरीर चला गया उन्होंने वहाँ पर जो सिस्टर्स थे नर्सेस उनको पूछा अरे इनका शरीर कब चला गया बोले क्यों आपको मालूम नहीं वो भाई जो लड़का था उनकी सेवा में वो आपको आकर के बताया नहीं बोले ना हमको तो किसी ने नहीं बताया बोले वो लड़के नहीं उनको यहां पर उनके सर शब को लौटा लेटा दिया गया है उसी ने पुष्प अर्पण किए अगरबत्ती अर्पण की, की उसी ने जमुना जी भी उनके मुंह में डाला है ये सब सेवा उसी ने की है और जो वो साधक जो थे उन्होंने जो धोती दी थी उस लड़के को वही धोती पर उनका शब बिछा दिया था बोले वो लड़का बोले वो हम तो सोचे कि वो लड़का आपके आश्रम में आकर खबर देने आया है तो उन्होंने सोचा शायद हम लोग मैं इधर आया वो वहां गया होगा ठीक है भक्त का बाकी के जो क्रिया करनी थी वो कर दी लेकिन वो लड़का कहीं दिखाई देता नहीं है किसी को समझिए सदगति सत्कृति सत्य सत्य सदभूति सतपरायण सतकृति भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते हैं चिरहरण से लेकर के अपने आप को चोर बना देते हैं अपने आप स्वयं बंधन में होते हुए भी जीव को बंधन से मुक्त करते हैं स्वयं अंधकार में जन्म लेकर के भी अपने भक्तों को प्रकाश देते वो है श्री कृष्ण अद्भुत प्रसंग है आगे का हमारा से विनती करेंगे एक छोटा सा भजन गा लीजिए कि थी कान कुवर आवतार लोल मुखे थी मोरली वगाड़ तार लो मारी शेरियत थी कान कुवर आव लो मुखे थी मोरली वगाड़ तार लो हूँ तो की ने जो शरीर लोल शरीर लो हूँ तो पानी वे जवानी शरीर लोल ई ने पाटली शरीर लो मार कान कानकुवर आवतार लोल મુખે થી મોરલી વગાડતા રે લો કે અમરા પર નાચે ચોક માં દિવાબળે રે લો મે તો જાણ્યું કે હરી આઈ મળે રે લો मैं तो दुजरे साकर नो शिरो रे लोल त्रांबा त्रास माढ़ो रे लोल मरी कान कानकूबर अवतार लोल मुखे थी मोरली वगाड़ तार लो हूँ तो जमवा बैठी तो ने जीवन रे लोल कंठ थी को नरोर लो के हूँ तो जमवा बैठी ने जीवन रे लोल न को नरोर लो मन कोई रे देखा दीनानाथ ने रोल કોળીયો જમાડું જમણા હાથ રે લોથ ને રેલો કોળીયો જમાડું જમણા હાથ નો રેલો કે મારી શેરિયેથી કાન કુંવર આવતા રે લો મુખેથી મોરલી વગાડ લો मरी शेरिय थी कान कुवर अवतार लोल मुखे थी मोरली वगाड़ तार लो कृष्ण लाल की जय कृष्ण लाल की जय देखिए भगवान की लीला एक होती है उसके अर्थ अनेक होते हैं भगवान की लीला को हम समझ नहीं पाते हैं इसलिए रंगवदूत महाराज लिखते हैं एनी लीला ए लहे करे खेल अनंत पामर पाछो त्या पड़े जोवा जाता अंत भगवान की लीला को हम समझ नहीं पाएंगे हम पामर है उनकी लीला का अंत देखने जाएंगे तो हमारी बुद्धि चकर आ जाएगी अब हमारे मूल विषय में हम प्रस्तुत हो जाएं जो कल साधन चतुष्टय का बिंदु भी लिया था वो उसकी पार्श्व भूमिका है कल साधन चतुष्टय के अंत में हम कहना चाहेंगे कि जो षट संपत्ति है शम दम उपरति तितीक्षा श्रद्धा एवं समाधान तो सम से एक ही शांति हमको भिन्न भिन्न ये संपत्ति से मिलती है देखिए, वही शांति जब मन में आती है तो उसे सम से प्राप्त हुई शांति कहती है कहते हैं वही शांति जब इंद्रियों में आती है तब हम उसे दम से प्राप्त की हुई शांति कहते हैं ध्यान से श्रवण किया जाए वही शांति जब कर्मों में प्राप्त हो जाती है हमको कर्म में कर्म के विभ्रांतों में प्राप्त हो जाती है तब वह उपरिति से प्राप्त हुई शांति है वही शांति जब हमें अपने शरीर में प्राप्त होती है तब वो शांति तिथिक्षा से प्राप्त हुई शांति है वही शांति जब हमारे हृदय में प्राप्त होती है तब वो श्रद्धा से आई हुई शांति है और वही शांति जब हमारे चित्त के अंदर में चित्त को विभ्रांत करने वाली अनेक वृत्तियां जो है उसमें जब शांति आ जाती है तब उसे हम कहते हैं समाधान से प्राप्त हुई वो शांति है शम दमा उपरति तितिक्षा श्रद्धा एवं समाधान ये षट संपत्ति एक ही शांति पुनरुक्ति करेंगे तो ध्यान से श्रवण कर लीजिए एक ही शांति जब मन में आती है तब उसे कहते हैं सम से प्राप्त हुई शांति एक ही शांति जब इंद्रियों में आती है तब कहते हैं दम से प्राप्त हुई शांति एक ही शांति जब हमारे कर्मों से हमें प्राप्त होती है कर्म में तो उसे कहते हैं हम उपरति एक ही शांति जब शरीर में प्राप्त हो जाती है तब उसे कहते हैं तितिक्षा से प्राप्त हुई शांति एक ही शांति जब हृदय में आ जाती है तो उसे कहते हैं श्रद्धा से प्राप्त हुई शांति और एक ही शांति जब अनेक चित्त वृत्तियां मिट करके चित्त जब समाहित हो जाता है तो उसे कहते हैं समाधान से प्राप्त हुई शांति वही जो काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सर्य है ये षड रिपु हमारे षट 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 संपत्ति के साथ में षड रिपु को भी देखना होता है काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सर्य काम क्या है हमारी इच्छाएं वो काम है समझिए हमारे में बहुत इच्छाएं ये प्राप्त करने की वो प्राप्त करने की वहाँ जाने की वो खाने की उससे मिलने की वो पद प्राप्त करने की वो सुख प्राप्त करने की काम फिर क्रोध जब इच्छाओं की पूर्ति में जब बाधा आती है अवरुद्ध अवरुद्धता आती है परिणाम स्वरूप हमें क्रोध आता है ध्यायतो विषयान पजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते क्रोधा भवति सोह सोहा स्मृति विभ्रम स्मृतिब्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति यह सिद्धांत है तो जब हमारी कामनाओं में अवरोध पड़ता है अर्थात इच्छाओं को भोग करने में बाधा पड़ती है तब क्रोध आता है हमारा कहना कोई ना माने हमारे कहने से कोई विरुद्ध आचरण करे हमारी इच्छाओं में जब अवरुद्धता आती है जो भोग हम भुगत रहे उसमें कहीं बाधा आ गई कोई भी भोग हो शब्द स्पर्श रूप गंध का उसमें जो बाधा आई वो क्रोध है काम क्रोध लोभ लोभ क्या है अपने आप को हम जब अपूर्ण समझते हैं और अपने आप को अपूर्ण समझ करके एक कामनाओं से अपने स्वयं की हम अपूर्ति करना चाहते हैं उसे लोभ कहते हैं समझिए स्वयं को हम अपूर्ण समझते हैं है हम अपूर्ण लेकिन अपूर्ण समझते हैं जो कल सिद्धांत था विवेक और वैराग्य का हम हैं सच्चिदानंद स्वरूप लेकिन अपने आप को हम समझते हैं हम जड़ है समझिए हम दुख रूप है है हम सच्चिदानंद लेकिन हम अपने आप को शरीर समझ लिया अर्थात हमने अपने आप को जड़ समझ लिया दुख रूप समझ लिया तो जब हम अपने आप में अपूर्णता का भाव रख करके अपनी उस अपूर्णता को कामना से तृप्त करना चाहते हैं वो जो वृत्ति है उसे कहते हैं लोभ काम क्रोध लोभ अब मोह क्या है मोह क्या है कामाशक्ति के कारण समझिए काम की आसक्ति उसको कहते हैं कामाशक्ति तो काम की आसक्ति के कारण किसी से चिपक जाना चाहे वह व्यक्ति हो वस्तु हो या स्थान हो व्यक्ति वस्तु और स्थान से कामाशक्ति के कारण चिपक जाना वो है मोह काम क्रोध लोभ मोह मद देखिए ये जो मोह है उसके अनेक उदाहरण श्री रामकृष्ण देव बहुत सुंदर उदाहरण देकर के कहती हैं। एक बुढ़िया थी उसने एक गहना बनवाया था अब उस गहने से उसकी इतनी आसक्ति हो गई है और उस गहने को कोई देख नहीं रहा है तो लोगों की नजर उस गहने पर जाए उसके कारण उसने स्वयं अपनी झोपड़ी में आग लगा दी और सबको हाथ दिखा दिखा करके कहती देखो मेरी झोपड़ी में आग लगी इससे बहाने लोग उस सुवर्ण का जो कंगन पहना था वो देख रहे हैं अब यहां पर एक ही उदाहरण में दो दो गर्भित अर्थ है मोह किसे कहते हैं हम किसी से आसक्ति कामाशक्ति के कारण किसी से चिपक गए चाहे वो व्यक्ति हो वस्तु हो या स्थान हो कोई व्यक्ति से चिपकता है कोई स्थान से चिपक जाता है और कोई वस्तु से चिपक जाता है मोबाइल लैपटॉप घर गाड़ी पद प्रतिष्ठा नाम यश कीर्ति कोई एक स्थान कोई एक व्यक्ति पर आसक्त हो जाना वो कामाशक्ति के कारण तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात मद अब मद क्या है मद के अंदर में मनुष्य को श्रीमद धन मद ऐश्वर्य मद सौंदर्य मद ये सब मद है जब मनुष्य के अंदर में यह मद होता है तो वह दूसरों की अवगणना करता है दूसरों को अपने से वो निम्न देखता है विद्या मद है धन मद है सौंदर्य मद है प्रतिष्ठा का मद है पद का मद है ख्याति का मद है विख्याति का मद है अरे मेरे में कोई मद नहीं है उसका भी मद है जानते हमारे हमारे में बिल्कुल अभिमान नहीं है बस उसी का अभिमान है तो जब मद आ जाता है तब मनुष्य का विवेक वो खो बैठता है उसे कहते है, मद और मात्सर्य मात्सर्य के बारे में शास्त्र इतना सुंदर बताता है शास्त्र कहता है देखो जब मात्सर्य आ जाता है तो क्या हो जाता है व्यक्ति के अंदर में यदि कोई अच्छा कर रहा है कुर्सी में कोई सदगुण है तो उस सद्गुण को पहचानने की जगह यदि कोई अच्छा सत्कार्य कर रहा है तो उस सत्कार्य को पहचानने की जगह उस सत्कार्य बंद कैसे हो जाए उसमें वो सदगुण हैं तो उस सद्गुण को कैसे प्रकाशित न किया जाए स्वयं भी अपना उत्थान नहीं करेंगे और दूसरा कोई अपना उत्थान करना चाहता है तो उसको भी हम नीचे गिरावेंगे वह मात्सर्य दूसरों की प्रशंसा दूसरे की प्रसिद्धि दूसरे की उन्नति सहन न करना स्वयं भी उन्नत न होना और दूसरे की उन्नति को सहन न करके उसे भी नीचे गिराने का प्रयास करना वो है मात्सर्य षु काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सर्य अब पार्श्व भूमिका हुई तब हम चले मूल विषय के अंदर में वृषभासुर का वध केशी का वध और व्योमासुर तीन असुर का वध बाकी है उसमें से वृषभासुर का वध हुआ देखिए केवल आंखों को बंद करना वो योग नहीं होता है शास्त्र के अर्थों को मार मचोड़ करके अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट कर देना वो शास्त्र का मर्म नहीं है चित्त की एकाग्रता को समाधि समझ लेना वो समाधि में असुर आ गया शास्त्रों के अर्थों को मार मचोड़ करके अनर्थ को अर्थ बता देना वो शास्त्र में असुर आया और शास्त्र से विपरीत आचरण करे उसको शास्त्र के अंतर्गत बताना वो धर्म में असुर तत्व आया जब धर्म में असुर तत्व आया तो वृषभासुर बना इसलिए देखिए भागवत के प्रथम स्कंद में ही यह प्रसंग आता है जब भगवान वेदव्यास ने महाभारत की रचना की फिर भी भगवान वेद व्यास को शांति नहीं है इतना इतना किया वेदों को चार भाग में विभाजित किया उपनिषदों को समझने के लिए ब्रह्मसूत्र की रचना की समझिए महाभारत जैसा महाकाव्य महाग्रंथ लिखा ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा सत्रह पुराण की रचना की फिर भी उनके मन में शांति नहीं है अब नारद जी आते हैं उनके पास और नारद जी उनको थोड़ा मीठा ठपका देते मीठी डांट लगाते हैं नारद जी वेद व्यास को क्या कहते हैं समझिए कृतेनु धर्मकृतुशास स्वभाव कृत महान व्यतिक्रम आवृत्ति करते हैं उस श्लोक की हम जुगुप्सित धर्मकृतुशास स्वभाव रक्त महान व्यतिक्रम हे वेद व्यास जी आपने धर्म तत्व को समझाने के लिए इस संसार के लोगों को थोड़ा अधर्म करने की भी छूट दे दी थी सिद्धांत को ध्यान से श्रवण करेंगे तो समझ में आएगा हे महामुने व्यास जी आपने अधर्मी लोगों को धर्म की ओर मोड़ने के लिए थोड़े अधर्म करने की छूट दे दी थी अब ये मानव इतना खराब है इतना खराब है इतना लोलुप है इंद्रियों के प्रति उसके मन की गति निम्न इंद्रियों के प्रति इतनी है कि आपने जो छूट दे दी थी थोड़ी बहुत उसी को उसने धर्म समझ लिया और जो आपने धर्म का मूल तत्व कहा महाभारत में उससे उसको वैराग्य हो गया उसके प्रति उसकी रति रही नहीं जैसे उदाहरण के रूप में देखे वेद व्यास जी ने महाभारत के अंदर में यज्ञ कर्मक में पशुओं की बलि दी जाने के लिए थोड़ी छूट दी है अब यह क्यों किया है समझना है संगति लगाते हैं महाभारत समझने के लिए भी बहुत सुंदर टीका है महाभारत के ऊपर में शास्त्रों को अपने मन से अर्थशास्त्र का नहीं किया जाता है सुंदर सिद्धांत होते शास्त्रों के सिद्धांत को समझना पड़ेगा वेद व्यास जी ने जो धर्म से पूर्ण रूप से विरक्त हो चुके हैं ऐसे असुर भी जैसे धर्म का कुछ पालन करके कैसे भी धर्म में प्रवृत्त हो उसके लिए क्योंकि ऐसे अधर्मी लोग तुरंत उनको धर्म का उच्च तत्व बताएंगे तो धर्म में प्रवृत्त नहीं हो पाएंगे इसलिए उनको थोड़ी थोड़ी छूट दी जाती है ठीक है थोड़ा तुम इतना कर लो उदाहरण के रूप में देखें तो एकादशी का उपवास होता है तो श्रेष्ठ उपवास क्या है निर्जला एकादशी करते हैं जल भी ग्रहण नहीं करते हैं दसवीं के दिन एक टंक खाते हैं मध्यान्ह का भोजन करने के बाद दसमी से भोजन नहीं करते मध्यान्ह का भोजन हो गया तत्पश्चात भोजन नहीं किया जाता है एकादशी के दिन पूर्ण निर्जला एकादशी करते हैं और द्वादशी को पारण करते हैं यह एकादशी का व्रत का नियम जो लोग करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं हम ऐसे अनेकों सदगृहस्थ को जानते हैं आप लोग भी करते होंगे जानते होंगे आपके परिचय में भी होगा यह आदर्श हुई अब बोले हम तो दसवीं के दिन से मध्यान्ह भोजन करने के बाद हम तो एकादशी का उपवास नहीं कर सकते ठीक है भैया थोड़ा खा लीजिए दसवीं को भी रात्रि भोजन कर लीजिए हाँ बोले वो ठीक है तो फिर अब रात्रि भोजन करने की छूट दे दी तो एकादशी का बोले निर्जला हम रह जाएंगे बोले ठीक है द्वादशी का तो पारण करना ही है बहुत अच्छा अब कोई कोई तो बोले भाई हम एकादशी के अंदर में निर्जला भी नहीं कर सकते अब उनको भी तो धर्म में लाना है बोले ठीक है तुम थोड़ा फलाहार कर लो फलाहार फल का आहार थोड़ा सेब खा लिया थोड़ा केले खा लिए थोड़े बहुत अंगूर ले लिए बस हो गया हाँ बोले ये ठीक है ये छूट दी जाएगी तो हम अवश्य एकादशी का उपवास कर सकते हैं देखिए मा, माताएं है करवाती थी ना हम लोग जब बचपन में थे एकादशी के दिन लोगों को एकादशी का उपवास करवाना, करवाना होता है तो माँ क्या क्या करती थी अरे साबूदाना की खिचड़ी भी बना लेती है बोले आज खा लो साबूदाना की खिचड़ी बनवाइए, तो साबूदाना की खिचड़ी खाने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता था भाई कुछ दिया समझिए लालच तो देनी पड़ती है अब फिर उसमें फिर किशोर एकादशी शुरू हो गई अरे न जाने अभी तो कितना कितना खा रहे बोले एकादशी के दिन जो सामान्य दिन में नहीं खाया जाता वो सब एकादशी के दिन अच्छा सा खाते हैं हम लोग हमने तो कुछ बहुत कुछ सुना है सुना है कि भाई एकादशी के कचोरी भी मिलती है माने वो क्या बोलते हैं क्या क्या कुछ सब निकला है न जाने तो ये सब क्या है बोले कैसे भी जीव जो है भोग में आ सकता है तो कैसे भी वो एकादशी का उपवास करके थोड़ा धीरे धीरे उसकी वृत्तियों उसकी इंद्रियों पर काबू में लाए उसकी इंद्रिया को काबू में रखे उसे तो महाभारत में वेद व्यास भगवान ने भी उसी सिद्धांत से छूट दी कि छूट दी अब मानव ने क्या किया बस उस पशु बलि को ही धर्म समझ लिया बस यज्ञ करो और पशुओं को बलि देते जाओ और परिणाम स्वरूप लोगों की धर्म की ओर रुचि हुई नहीं अर्थ का अनर्थ प्रकट कर दिया समझ लीजिए दूसरा उदाहरण दे तो कोई महात्मा कहे कि भाई आज बहुत अच्छा दिन है आज जो भी दुन्य मानी दान पुण्य करेंगे उससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा बहुत अच्छा फल मिलेगा लेकिन शर्त इतनी है कि अच्छा खासा दान हो भाई हजार दो हजार रुपये से ऊपर का दान हो महात्मा लोग भी तो जानते हैं लोग कैसे हैं अब ऐसा कहा तो बहुत कम लोग दान पुण्य करने जाएंगे लेकिन यदि महात्मा ने कह दिया आज तो बिल्कुल दान देना नहीं है आज का दिन बहुत ही खराब है तो देखेंगे कोई दान देने नहीं जाएगा गलती से भी अब महात्मा का देखिए पहले का सिद्धांत नहीं लिया दूसरा सिद्धांत ले लिया क्योंकि मनुष्य की मनोवृत्ति जहां होती है वो वो अर्थ ले लेता है ऐसा ही हुआ भगवान वेदव्यास ने जो यज्ञ के अंदर में पशु बलि का थोड़ा विधान किया उसी को ही मानव समाज ने अपना मुख्य धर्म बना लिया और धर्म से विरत हो गया मनुष्य और जब धर्म से विरत हो गया तो फिर परिणाम भुगतना पड़ा है देखिए श्री रामकृष्ण देव ने भी यही किया धर्म में आए हुए असुर को दूर किया है कैसे शिव ज्ञाने सेवा का आदर्श देकर के ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या करते रहते थे लोग बोले जगत की क्या सेवा करना बस ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है बोले वही श्री रामकृष्ण देव शिव ज्ञान से जीव सेवा का सिद्धांत श्रीमद भागवत से ही बताए हैं भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल देवहूति के संवाद के अंदर में यही शिव ज्ञान से जीव सेवा का सिद्धांत निहरनीत है तो धर्म में आए हुए धर्म आचरण में आता है धर्म को हम आचरण में रखते हैं तो धर्म में आए हुए असुर तत्व को दूर करना पड़ता है अवतार करते हैं जैसे मैं मां शारदा देवी का एक सुंदर उदाहरण है घटना है आप लोग जानते होंगे शायद पूज्यपाद निखिलेश्वर जी महाराज ने भी उसकी चर्चा की थी यहां पर प्रश्नोत्तरी के मध्य दरम्यान एक भक्त है उसने मां को चिट्ठी लिखी है मां मुझे नौकरी में अभी कुछ असत्य का सहारा लेना पड़ता है क्या मैं नौकरी करूं या नौकरी से मैं त्यागपत्र दे दूं। माँ के सामने जब ये पत्र पढ़ते हैं भक्त साधक तो माँ कहती उस उसको लिख दो उसको नौकरी छोड़नी नहीं है अब जो भक्त थे महाराज जो थे वो कहते माँ क्या कह रही हो तुम तुम उसको असत्य बोलने को लिए कह रही हो मां गंभीर स्वर से कहती है अभी थोड़ा झूठ बोलने से उसका काम बन जाता है नौकरी छोड़ देगा तो बाद में जठराग्नि की आग ऐसी लगेगी उसमें फिर वो डकैती करेगा गुंडागर्दी करेगा और तब अनेक पाप में वो प्रवृत्त होगा मां की दृष्टि कहां है देखिए मां ने इसलिए कहा कि उसको कह दो कि नौकरी से त्यागपत्र देना नहीं है क्योंकि मां उसको बड़े पाप से बचाना चाहती है अब मां की इसी उदाहरण से समझे कि भाई माँ ने कहा कि नौकरी में झूठ बोलना पड़े तो बस झूठ बोलने की माँ ने तो छूट दे दी हम झूठ बोलना शुरू कर दे तो क्या हो गया अर्थ का अनर्थ हुआ धर्म में असुर तत्व आ गया शास्त्र में असुर तत्व आ गया तो जब शास्त्रों के अंदर में असुर तत्व आ जाता है अर्थ का अनर्थ कर दिया जाता है ऐसा ही हुआ केसी के साथ कंस ने केशी को भेजा है कंस ने केसी को कहा कि तुम जाओ उसके पहले एक छोटी घटना घट गट गई नारद जी कंस के पास आते हैं और नारद जी कंस के पास आकर के कहते कंस तुम सचमुच कैसा राज्य करते हो बोले क्यों अरे बोले अपने दुश्मन के घर में भी क्या खाना पकता है उसकी माहिती तुम्हारे पास होनी चाहिए बोले अर्थात अर्थात तुमको मालूम नहीं है देवताओं ने तुमको मारने के लिए ही वसुदेव देवकी के यहाँ श्रीकृष्ण का जन्म करवाया था और ये वसुदेव जी श्री कृष्ण को वहां रख कर आए नंद बाबा के पास रोहिणी के वहां बलराम का जन्म हुआ है और नंद के वहां तो कन्या का जन्म हुआ था वो कन्या वो वापस ले आए और वो कन्या आकाश में उड़ गई कंस क्रोधित हुआ उसने तलवार उठाई नारद जी कहते अभी तलवार उठाने से काम नहीं चलेगा कुशलता पूर्वक का कार्य करो बोले क्या करना है बोले कुशाग्र होकर के काम करो धीरज से काम करो उनको पता चल गया है तो तुम्हारा और काल हो जाएगा खराब नारद जी कंस को सावधान करके चले गए कंस ने तुरंत वसुदेव देवकी को बंदी बना लिया पुनः और अभी अपने असुरों को सभा बुलाई उसमें कहा कि मेरा काल तो अब नंद नंद के वहाँ हैं कृष्ण एवं बलराम के रूप में उनको यहाँ पर कैसे बुलाया जाए बोले धनुष यज्ञ के बहाने उनको बुलाया जाए मल्ल मल्ल कुश्ती करने का एक यज्ञ करते हैं एक स्पर्धा रखते हैं नगर जनों को बुलाया जाए देहाती लोगों को बुलाया जाए जनपदों से लोगों को बुलाया जाए सबको बुलाया जाए बोले हाँ किया जाए कृष्ण एवं बलराम को मृत्यु के मुख में भेजने के लिए पूरा तैयारी कर पूरी तैयारी हो चुकी है धनुष यज्ञ के बहाने उनको यहां पर बुलाया जाएगा और कंस ने केशी को कहा कि केशी तुम जाओ और कृष्ण का वध करके आओ अब केशी आता है ये केशी वही हयग्रीव जब सृष्टि की रचना होती है तब हयग्रीव ही वेद को छुपा लेता है वही ये केशी आया हनन हनन करके आता उसके हनन से देवताएं स्वर्ग का राज्य छोड़कर के भाग जाते हैं इतना विकराल उसका हनन है वो जब हनन न करता है उसकी जो ध्वनि होती है उतनी विकराल ध्वनि होती है तो केशी आया व्रज के अंदर में जोर जोर से अपनी ध्वनि करने लगा भगवान उसके सामने आते हैं भगवान ने उसको अनेक योजन पीछे छोड़ दिया उसको धकेला उध्वस्त हो गया फिर पुनः उठता है और पुनः भगवान की ओर आता है और भगवान उसके मुंह में अपना हस्त डाल देते हैं और उसके प्राण को भगवान हरण कर लेते हैं देवताओं ने पुष्पवृष्टि की कृष्ण गनैया लाल की जय उनकी वाणी उन्हीं को समर्पित करते हुए आज यही पर विराम देते हुए कृष्ण गनैया लाल की जय भक्त वत्सल भगवान की जय वृंदावन विहारी लाल की जय सब संदन की जय सब भक्तन की जय ॐ नमः पार्व हर हर महादे हर